बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ मी मोहम्मद फरहान सईद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हम स्टार्ट करते हैं आज क्लास सिक्स का लेक्चर नंबर 14। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिफरेंस रीड किया था। उम्मीद आप सबको समझ आ गया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो 1.2.2 इनपुट डिवाइसेस। क्या इनपुट डिवाइसेस? अभी इनपुट डिवाइसेस हमारे पास मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। फॉर इन में यानी कि एक कीबोर्ड है जो हमारे इस कोर्स में शामिल है। कीबोर्ड के अलावा कुछ इसके कीबोर्ड के ऊपर कौन कौन सी अहम सेक्शन बने होते हैं, इसके डिवीजन है ओवरऑल, ये आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन। डिवाइसेस दैट आर यूज टू एंटर डाटा इनटू अ कंप्यूटर, वो आलात जो इस्तेमाल होते हैं क्या डाटा को एंटर करने के लिए इनटू अ कंप्यूटर, आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ठीक है बेटा, इसकी सिर्फ यहाँ तक डेफिनेशन है और आपने होमवर्क में लिखनी भी ये डेफिनेशन इनपुट डिवाइसेस तक है, इस पॉइंट तक ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब उसके बाद द वाइडली यूज इनपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो कि बहुत वाइडली यूज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, आर द कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड डिजिटल कैमरा। कि आपका कीबोर्ड है, हम इसको इनपुट देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कीबोर्ड से, कोई भी की प्रेस करके यानी कि किसी भी टेक्स्ट के फॉर्म में हम डाटा एंटर करते हैं। माउस भी हमारी इनपुट डिवाइस है, उसके बाद माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सारी हमारी इनपुट डिवाइसेज हैं। और इनकी आगे हम डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या फंक्शन इनका, कब और कैसे इस्तेमाल होती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा जो है पहली जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। सबसे पहले वो ये बता रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है, जो कि कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है आमतौर पर। इट अलाउज अ यूजर टू टाइप अल्फाबेट, ये हमें सहूलत यानी यूजर कौन है, हम लोग हैं, हमें सहूलत मुहैया करती है कि हम लोग अल्फाबेट्स टाइप करें, नंबर, सिंबल्स, जितनी भी मीन्स इसके ऊपर। ये देखिए ये कीबोर्ड है, ये आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ से आप इंग्लिश के वर्ड्स आप अल्फाबेट्स आप लोग इंटर करके लिख सकते हो स्क्रीन पे। ये कुछ न्यूमेरिक फंक्शन हैं, उनको आप लिख सकते हो। आपके कुछ फंक्शन कीज हैं, उसके अलावा ये आपके कुछ कर्सर कंट्रोल कीज हैं। मतलब कि आप लोग डिफरेंट ये कीज यूज करके डिफरेंट वेज से डाटा एंटर कर सकते हो इनटू अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर। इट हैज स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज, इसके ऊपर छोटे छोटे बटन होते हैं, ये देखें बहुत बेशुमार बटन, ये सारे क्या कहलाते हैं, कीज। द कीज आर द लेट आउट इन द क्वालिटी पैटर्न, यानी वो जो कीज हमारी हैं वो किस पैटर्न में मौजूद होती है, नजर आती है हमें कीबोर्ड के ऊपर, वो हमारा क्वालिटी पैटर्न। कि सबसे पहले क्यू की, फिर डब्ल्यू, फिर ई, आर, टी, वाई, तो यहीं से ये क्वालिटी वर्ड इन्होंने इजाद किया है बेटा। कि जो भी हम कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज करते हैं आमतौर पर, उसके ऊपर जो पैटर्न बना होता है अल्फाबेट कीज का, वो इसी पैटर्न में होता है कि पहले आपको क्यू की नजर आएगी, देन डब्ल्यू, फिर ई, फिर आर, फिर टी, फिर वाई। नाउ लुक एट द कीबोर्ड अगेन, आप अगेन कीबोर्ड को देखें, आर द लेटर्स ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द कीबोर्ड, कि आपके जो कीबोर्ड के टॉप लेफ्ट पे देखें, यहाँ पे ये आपको नजर आ रही जो आपकी अल्फाबेट्स की है, टॉप लेफ्ट साइड पर आपको यही पैटर्न नजर आएगा जो क्वालिटी हमने पढ़ा है। तो बेटा ये आपका ओवरऑल कीबोर्ड की यानी कि डेफिनेशन भी होगी, और उस पर जो कीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बटन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, किस पैटर्न में होते हैं, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाद इस कीबोर्ड को हम यानी कि इसकी डिवीजन कितने सेक्शन में होती है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग सेक्शन, मुख्तलिफ सेक्शन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन कीज, वो हमारी ये वाली कीज है बेटा, या जो आपको रेड हाइलाइटेड नजर आ रही है, ये हमारी फंक्शन कीज है। ठीक है, उसके बाद हमारे अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कीज आपकी ये वाली सारी कीज है।
अल्फाबेट्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके अल्फा न्यूमेरिक कीज है, इसके अंदर आपके कुछ ये कंट्रोल कीज भी हैं, नहीं कंट्रोल कीज तो मैं नहीं कह सकती, मींस कि आपको शॉर्ट कीज है, इस तरह ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ये भी सारी। इसके बाद हमारा न्यूमेरिक की पैड, न्यूमेरिक की पैड आपका ये वाला जहाँ पे हमारी कुछ हमें ये सिम्बल्स दिए हुए मैथमेटिकल, उसके बाद हमें जीरो से लेकर नाइन तक डिजिट्स यानी कि गिनती है जो वो आपको नजर आ रही है, ये हमारा न्यूमेरिक पैड है। देन कर्सर कंट्रोल आर नेविगेशन कीज, ये वाला पार्ट हमारा, ये कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन कीज कहलाते हैं। तो ये आपने कीबोर्ड के इस डायग्राम को देख के इजीली, सबसे पहले आपने ये सेक्शन वाइज इस कीबोर्ड को समझना है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा जो भी आपने वर्किंग करनी है कि हमारी जो फंक्शन कीज है किस लिए इस्तेमाल होती है, अल्फाबेट कीज किस लिए इस्तेमाल होती है, हमारा जो कर्सर कंट्रोल कीज है इनका क्या इस्तेमाल है, ये सारी की सारी हम अभी आगे इन डिटेल रीड करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन कीज, ठीक है बेटा, फंक्शन कीज, द फंक्शन कीज आर लोकेटेड ऑन एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, मींस आपको जो कीबोर्ड है कंप्लीट आप नजर रहे इसके टॉप पे हमें ये फंक्शन कीज का एक पूरा पैटर्न बना हुआ नजर आता है, ये हमारी फंक्शन कीज है जिसमें हमारा F1, F2 एंड सो ऑन F12 तक। द पर्पज ऑफ दीज कीज, कि इन कीज का मकसद क्या है, हम इन्हें किन किन अपने यानी के कामों में इस्तेमाल करते हैं, इज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग, ये डिपेंड करता है जो सॉफ्टवेयर हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर, कि कौन सी एप्लीकेशन है उसमें डिवेलपर ने F1 की का क्या मकसद रखा है, ठीक है, इनका हर एप्लीकेशन में डिफरेंट रोल होगा हमारा। द पर्पज ऑफ ये यानी कि फॉर एग्जाम्पल प्रेसिंग द F1 की को प्रेस करना ओपन्स द हेल्प स्क्रीन इन विंडोज, कि हम लोग F1 की को प्रेस करते हैं तो विंडो जो भी हमारी होगी उसमें यानी कि हमें वो कौन सा ऑप्शन, जिस तरह मैंने F1 की प्रेस की तो मैं जो भी ये विंडो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरे PC पे ये विंडो जो भी इंस्टॉल्ड है, देखिए मैंने F1 की प्रेस की तो मेरे सामने ये स्क्रीन ओपन हो गई है, ये मेरी हेल्प विंडो है, ठीक है बेटा। तो हर की के डिफरेंट यूज है जिस, और जो भी हम एप्लीकेशन कर रहे हैं वो उसका इस्तेमाल उस एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता होगा कि उसका क्या मकसद है। आज अब तक जो हमने पढ़ा है आज कि इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन वो यहाँ तक आपने ये लिखनी है, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी बतानी है, देन कीबोर्ड का आपने यहाँ तक लिखना है, टॉप लेफ्ट ऑफ द कीबोर्ड ये आपका लिखने का वर्क है, तो उसके बाद आपने इन चार जो इसके ये हैं टाइप्स हैं तो किन किन सेक्शन में हम इस कीबोर्ड को डिवाइड करते हैं, आपने ये चार सेक्शन याद करने, इनके नाम और कीबोर्ड से आपको पहचान होनी चाहिए कि आप कीबोर्ड को देखो, कोई आपसे पूछे कि बेटा ये बताएं कर्सर कंट्रोल कीज कौन सी होती है तो आप उन्हें बता सकें कि ये हमारी जो इंसर्ट होम पेज अप पेज डाउन डिलीट और ये चार एरो कीज है ये हमारी कर्सर कंट्रोल कीज होती हैं, ये हमारी जो है न्यूमेरिक कीज होती हैं, ये हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज का पैटर्न है पूरा ये वाला, और ये हमारा फंक्शन कीज का एक वो है जो सेक्शन है कीबोर्ड के ऊपर, ये आपको अच्छे से बेटा याद होना चाहिए। आज सिर्फ यहाँ तक आपको पढ़ा रहा हूँ फंक्शन कीज तक, यहाँ तक आपको पढ़ाया लिखने की दो डेफिनेशन है, लेकिन बेटा याद ही है सारा करना है, वो दो डेफिनेशन ऊपर यही वाली है कि इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड, ये दो यहाँ तक लिखनी है, और बाकी मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ ये कीबोर्ड की लेआउट कीबोर्ड की जो सेक्शन है वो आपको पता होने चाहिए, आप पहचान करके बता सको ये वाला जो हमारा सेक्शन है कीबोर्ड का वो क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, इन्हें अच्छे से तैयार करना है। और कीबोर्ड के स्टैंडर्ड कीबोर्ड को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वो चार हिस्से ही, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।